दोस्तों आज की बात है, मेरा स्टाफ था, एक न्यूबॉर्न बच्चे का डायपर चेंज कर रहा था। तो अचानक उसने मुझे आके कहा कि डॉक्टर साहब, बच्चे के पेशाब में खून आ रहा है। तो मैंने उसको समझाया कि ये खून नहीं है, बच्चे के पेशाब में यूरिक एसिड ज़्यादा आता है, वो इस रंग को करता है, और ये रंग पिंक कलर का होता है या ऑरेंज रंग का होता है, न कि जो अपना खून होता है वो ब्राउन रंग का होता है। ऐसा दोस्तों बच्चों के डायपर में बहुत ही कॉमन बात होती है, बड़ों का कभी भी या पेशाब है ऐसे रंग का नहीं आएगा, और इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है, नॉर्मल बात होती है। छोटे बच्चे का जब भी पेशाब है, वो पेशाब से उसका डायपर इस कलर का हो जाता है, ऑरेंज या पिंक कलर का, और माँ बाप को ऐसे लगता है कि मेरे बच्चे के पेशाब में खून आ रहा है। तो इसकी वजह यूरिक एसिड और अमोनिया के क्रिस्टल्स होते हैं, जिनकी वजह से ये कलर हो जाता है, ये ऑरेंज या पिंक होता है, जबकि ब्लड है वो ब्राउन होता है। इसलिए अपने को इसमें कोई घबराने वाली, परेशान होने वाली बात नहीं होती है। न्यूबॉर्न बच्चे के पेशाब में यूरिक एसिड आ सकता है। धन्यवाद।